थर्ड है हमारे पास माइक्रो ब्लॉग. इन दिस ब्लॉग राइट ओनली अबाउट ट्यूटोरियल टाइप एक्टिविटीज. ट्यूटोरियल यानी हम सिर्फ उस बारे में बात करते हैं क्या हम बनाने जा रहे हैं. ठीक, जैसे मान लीजिए कंपनी है, वेबसाइट है उसके पास, एक टॉपिक उसने उठा लिया, वेबसाइट क्रिएट करना है उसको. अब यहाँ पर क्या हुआ, ट्यूटोरियल, उसमें क्या क्या पढ़ाई से रिलेटेड टर्म, कैसे दूसरे को समझाएगा, दूसरे से दूसरे के पास इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, वो कैसे उसको समझा पाएगा कि हाँ वो कैसे इसको बना रहा है. तो मतलब सिर्फ पढ़ाई का एक डिस्कशन करना, उसको हम ट्यूटोरियल टाइप एक्टिविटीज कहते हैं. तो माइक्रो ब्लॉग में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ब्लॉग में जा कर के सिर्फ ट्यूटोरियल टाइप की ही एक्टिविटीज़ के बारे में लिखते हैं. ठीक, तो यहाँ पर जो टॉपिक होती है, जो कुछ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, उसके बारे में ही आप डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, फोर्थ है आपके पास कॉर्पोरेट ब्लॉग. इन दिस ब्लॉग राइट अबाउट कंपनीज बिजनेस. अब यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं, जो भी बिजनेस वाले हैं, वो कहाँ पे, किस ब्लॉग पर जाएंगे, कॉर्पोरेट ब्लॉग पर. अब कंपनीज क्या हैं, जैसे गूगल की हो गई, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, तो ये सब पर्सन उनका अपना मतलब डिस्कशन है, तो कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं टर्म्स हैं ये, तो वो कहाँ पर जाएंगे, कॉर्पोरेट ब्लॉग पर. अपने बारे में वो इसी ब्लॉग में लिखेंगे. देन एरीगेटेड ब्लॉग. एरीगेटेड ब्लॉग एनी रिसर्च रिलेटेड टॉपिक मेंशन और राइट इन दिस ब्लॉग. कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कोई नया रिसर्च किया, अदर पर्सन जो नया कुछ ढूंढता है, उसे चाहता है शेयर करना, तो वो कौन से ब्लॉग में जाएगा, एग्रीगेटेड ब्लॉग. ठीक है, तो रिसर्च टाइप के जो भी टॉपिक्स होते हैं वो हम एग्रीगेटेड ब्लॉग में जा कर के उसे क्या करते हैं, राइट करते हैं. देन है जीनर ब्लॉग. जीनर ब्लॉग जो है हमारा मेनली इंटरटेनमेंट के उससे यूज होता है. दिस ब्लॉग यूज्ड ओनली ऑन वन सब्जेक्ट डिस्कशन. अब जो इंटरटेनमेंट क्या है, इंटरटेनमेंट में आपका म्यूजिक है, डांस है, कोई अच्छा टॉपिक है हमारे पास उस पर, तो एंटरटेनिंग पार्ट स्टोरी हो गई, तो ये सब क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक सब्जेक्ट को, माउस है तो माउस के बारे में ही बात होगी, म्यूज़िक अगर टॉपिक हमारा है तो म्यूज़िक पे ही बात होगी. ठीक, अगर हम किसी अच्छा सॉन्ग हमने लिखा है, उस सॉन्ग के बारे में हम और कुछ बताना चाहते हैं, तो हम जेनर ब्लॉक में ही जाएंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली एंटरटेनमेंट पर्पज से है, और एक बार में हम एक ही सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. देन वीलॉग, सेवेंथ है हमारे पास टाइप ऑफ ब्लॉग में वीलॉग. वीलॉग का फुल फॉर्म होता है वीडियो ब्लॉग. इन दिस ब्लॉग ओनर अपलोड्स ओनली वीडियोस फॉर्मेट इंफॉर्मेशन. यहाँ पर हम किसी टेक्स्टुअल इंफॉर्मेशन को नहीं रखते हैं, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं वो हम किस में कहेंगे, वीडियो के फॉर्म में. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट इंफॉर्मेशन ही आता है. मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल करने गए हैं, या कभी स्कूल से आप टूर पे गए, वहाँ पे आपने अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो रिकॉर्ड किया था, कहाँ कहाँ आप घूमे. ठीक है, तो उस वीडियो को आप एडिट करके यूट्यूब, आजकल जो है हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल है इसका, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर इसे अपने वीडियो को अपलोड कर देंगे एडिट करके. ठीक, हमने इसको एक पर्सनली आपको एक्सप्लेन भी कर दिया. इस एनी पर्सनल और अदर एनी टाइप ऑफ वीडियो सच यू ट्रैवल समवेयर और विद फ्रेंड सर्कल ग्रुप रिकॉर्डिंग्स यू अपलोड ऑन दिस ब्लॉग इन द फॉर्म ऑफ वीडियो. तो इस वी लॉग में हम सिर्फ और सिर्फ क्या अपलोड करते हैं, ब्लॉग में जा कर के वीडियो, वीडियो के थ्रू हम अपनी मतलब की आइडियाज़ को शेयर करते हैं. लास्ट इज द एट, द ब्लॉग टाइप इज निश. इसको पढ़ते हैं निश. इन दिस ब्लॉग टॉक ओनली अबाउट वन कैटेगरी. जहाँ पर हम एक ही कैटेगरी की बात करते हैं उसको हम कहते हैं निश. यहाँ पर एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, जैसे मान लीजिए हमने स्पेसिफिक टॉपिक में क्या उठाया, इंटरनेट. हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट में अब हम जब बात कर रहे हैं तो हमने क्या किसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया, गूगल के बारे में, कि गूगल क्या है,
गूगल हमें क्या क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है। तो मतलब अब यहाँ पर जो भी डिस्कशन चलेगा, स्पेसिफिक टॉपिक हमारे पास हो गया है, तो सिर्फ बात होगी हमारे पास इंटरनेट पर गूगल की, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं निश।